पराई स्त्री को देखना कलंक है, पराई पुरुष को देखना कलंक है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है अपने पति को देखो, अपनी पत्नी को देखो, पराई स्त्री को देखो तो माँ बहन और बेटी की तरह, पुरुष को देखो तो पिता भाई और पुत्र की तरह। काम भाव से, गलत भाव से स्त्री और पुरुष को नहीं देखना चाहिए, पराई स्त्री पराई पुरुष को, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोग इस पाप से बचा करें। आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चे बच्चियां प्यार कर लेते हैं, लड़के आज के नौजवान दोस्त भाई बहन है, स्कूली प्यार कॉलेज वाला प्यार, और प्यार कर लेते हैं और प्यार के साथ साथ वो दुराचार भी करते हैं, शरीर का शोषण भी करते और कराते हैं। शरीर का शोषण उनका होता है और वो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। खासकर बचना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़कों का नुकसान नहीं होता। समाज आज भी ऐसा है कि लड़कों का विवाह जल्दी हो जाता है, पर एक लड़की के माथे ये कलंक लग गया कि तुम्हारा किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उसका विवाह होना कठिन हो जाता है। आज भी पुरुष को आदमी स्वीकार कर लेता है कि पुरुष का किसी स्त्री से संबंध है, तो उस पुरुष को लोग स्वीकार फिर भी कर लेते हैं, लड़के से विवाह हो जाता उसका, पर स्त्रियों का, लड़कियों का विवाह होना कठिन है। आज भी समाज में ऐसी मानसिकता है, हाँ या ना? अब ये सही है कि गलत है, इस पर आप समझना। हम तो केवल ये समझाते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को अपना चरित्र नहीं बिगाड़ना चाहिए। आज स्कूल में जो बच्चे बच्चियां प्यार कर लेते हैं, प्यार करना बुरा नहीं है, प्यार करना, प्रेम करना बुरा नहीं है, परंतु एक बात बुरी है कि किसी से भी प्रेम करना गलत है। लोग कहते हैं कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। होता है साहब, सबसे प्यार ना हो। पहले तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, पहले उनका विवाह होता था कि प्यार होता था? आपके नाना जी, आपकी नानी जी का पहले विवाह हुआ था या पहले प्यार हुआ था? आपका दादा, आपकी दादी का पहले प्यार हुआ था कि विवाह हुआ था? उत्तर दो, पहले क्या हुआ था? सब लोग उत्तर देंगे, क्या हुआ था बेटा? तुम्हारे पिताजी का पहले माँ से विवाह हुआ था कि पहले प्यार हुआ था? पहले क्या होता है? पहले विवाह होता था, और जिससे विवाह हो जाता था उसी से प्यार हो जाता था। और आज के प्यार करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा प्यार बूढ़े दादा दादी नाना नानियों में है, हाँ या ना? ये बात सही है कि आज के जो लैला मजनू घूम रहे हैं गली गली, इनसे ज्यादा प्यार बूढ़े लोग, बूढ़ा बूढ़े दादा बूढ़ी दादी में है। आपस में पति पत्नी में खूब प्यार है, हाँ या ना? लेकिन आज स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की, शादी कर लो जहां अच्छा लगे, और शादी भी किसी से भी नहीं करना चाहिए, विवाह ना विचार से करना चाहिए। लड़के ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में भी हो, ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही हो, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का शूद्रों में। ये क्यों कहा जाता है? ये पुरानी मान्यताएं क्यों हैं? इसके पीछे का साइंस जानते हैं, रहस्य? चलो मैं इस पे दो मिनट चर्चा कर लूं। इसके पीछे का रहस्य ये है कि एक हिंदू लड़की जो गाय को, आप लोग गाय को क्या मानते हैं? जोर से, माता। एक हिंदू लड़की गाय को माता मानती है। यदि हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया तो क्या होगा? आप कहते हैं कि प्यार में सब जायज है, नहीं साहब। एक हिंदू लड़की जब विवाह करती है मुसलमान लड़के से, तो वो तो तुम्हारे घर में गाय को तुम माता मानती थी, और अब जब मुसलमान के घर जाओगी बहू बनकर, तो वो गाय को तुम्हारे सामने काटेंगे, उसका मांस निकालकर तुम्हें देंगे कि बनाओ, और तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे कि खाओ। जिस गाय की तुम सदा पूजा करती आई हो, क्या तुम उस गाय का मांस खा सकती हो? बोलो, प्यार के नाम पर खाओगी कि मैंने इससे प्यार किया है, अब ये जो खवाए खाऊंगा खाऊंगी, तो क्या ये प्यार है?
इसलिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विवाह वहां करो जहां गोत्र मिले, गोत्र मतलब जहां विचार मिले, जैसी रीति रिवाज हमारी है वैसी रीति रिवाज सामने वाले की भी हो, 19-20 तो विचारों के साथ जिंदगी गुजरेगी। मैं भी गाय को माता मानता हूं और आप भी गाय को माता मानते हैं तो आपका और हमारा रिश्ता चलेगा। विचारों का मिलना जरूरी है, शरीर का मिलना प्यार नहीं है, शरीर का मिलना पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, विचारों का मिलना संबंध होता है। हाँ, विचार मिलने चाहिए, इसलिए विचारों के मैच। अब ब्राह्मण के रीति रिवाज अलग होते हैं और क्षत्रियों के रीति रिवाज, वैश्यों का रीति रिवाज अलग है और शूद्रों का रीति रिवाज। इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण में जाएगी, अपने रीति रिवाज में रहेगी तो कठिनाई नहीं जाएगी, क्षत्रियों का क्षत्रिय में रहेगी तो उसे कोई कठिनाई नहीं रहेगी। जो खान पान वहां था वही लगभग यहाँ है, जो बोल चाल वहां था वही यहाँ है, बहुत अंतर पड़ जाता है। जीवन में बहुत सारी चीजें लगती हैं गृहस्थी में, एक चीज ही नहीं होती कि प्यार किया है किसी आदमी से किसी औरत से तो लेके भाग जाए, समाज में रहना है तो समाज भी लगता है। कल को तुम्हारे बेटों का विवाह होगा, बेटियों का विवाह होगा तो समाज का आना जाना भी चाहिए होता है। गृहस्थी में सब कुछ लगता है और सब चीजें देख के चलनी पड़ती हैं, हाँ या ना, लोक व्यवहार भी जरूरी होता है। इसलिए विवाह किसी से किसी का ना हो, वरना संतान बड़ी अटपटी होती है। सिंपल फंडे में आपको दे दूं, गाय होती है, गाय गाय एक होती है देसी गाय, एक होती है जर्सी गाय, आप लोग दोनों को शायद जानते हो। एक गाय होती है देसी गाय और एक होती है जर्सी गाय। जर्सी गाय यदि जर्सी का नंदी, यदि देसी गाय उस जर्सी नंदी से गर्भवती होती है, देसी गाय यदि उस जर्सी नंदी से गर्भवती होती है तो देसी गाय का जो बच्चा होगा, बछड़ा या बछिया, वो ना वो जर्सी कहलाएगा ना देसी कहलाएगा, वो बीच का हो गया। ये सिद्धांत कितने लोग जानते हैं, ये गांव गांव में सब लोग जानते हैं सिद्धांत को, कि देसी गाय है तो शुद्ध देसी नंदी से यदि वो गर्भवती होती है तो उसकी बछिया या उसका बछड़ा शुद्ध होगा। यदि क्रॉस करा दिया आपने तो बदल जाएगी, संतान बदल जाएगा, हाँ या ना। मतलब माता पिता का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है, जोर से कहो, संतान पर। यदि ब्राह्मण बाप है और ब्राह्मण माँ है तो ब्राह्मण बच्चा होगा, यदि ब्राह्मण बाप है और क्षत्रिय माँ है तो वो बालक जो होगा ना वो ब्राह्मण कहलाएगा ना क्षत्रिय कहलाएगा, वो बीच का हो गया। बोलो हाँ। क्षत्रिय बाप होगा और वैश्य की माँ होगी और संतान होगी तो बीच की हो गई, वो बदल गई। ये साइंस है, मैं बता तो रहा हूं कि जर्सी और देसी में आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लेना। जिनके घर में गाय है उनसे पूछ लेना कि बात सही है कि गलत है। मैंने तो एक छोटी सी, अरे और सुनो ना, ये इंसान जानवरों में नहीं, पेड़ पौधों में भी होता है। आप सफेद गुलाब लाल गुलाब की कलम में जोड़ दो, उससे तीसरा गुलाब होगा पिंक। बोलो हाँ, हाँ या ना, गुलाबी हो जाएगा। मतलब एक अलग कलर के गुलाब की कलम अलग कलर के गुलाब की कलम से जोड़ेंगे तो उसमें जो गुलाब जब खिलेगा तो तीसरा कलर होगा। ये इस बात से कितने लोग सहमत हैं, हैं? इसलिए समझाओ आज के पढ़े लिखे बच्चों को जो कहते हैं नहीं जी प्यार किसी से भी कर सकते हैं। ना जी, तुम्हारे बाप ने किसी से भी प्यार किया होता
तो तुम ही अपने बाप से हजार सवाल करते कि पापा ऐसा क्यों किया था आपने। इसलिए लंबा चलना है तो मनमानी नहीं, जो नियम है वो मर्यादाएं। हमने कल कथा में कहा था कि मर्यादा की रेखाएं ना उल्लंघन। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो देखो रावण ले गया। जीवन में जो मर्यादाएं हैं उन पे ही चलना, उन सिद्धांतों को पालन करना, उनको नहीं मर्यादा को तोड़ना। अपनी बाप दादों की, खानदान की, कुटुंब की मर्यादाओं को बनाए रखिएगा। क्यों जी, सही है। जहां माँ बाप कहें हाँ, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, तो यदि समाज का है, अच्छा है, करता खाता, तो माँ बाप को करा देना चाहिए शादी। यदि सब सही है तो, यदि कुछ गलत है तो फिर बेटी को, बेटे को समझाओ कि बेटा यहाँ नहीं हो सकता, सारी जिंदगी का सवाल। आजकल की लड़कियों को प्यार हो जाता नहीं, हम तो इसी से करेंगे, नहीं कराओगे भाग जाएंगे लेकर, भाग जाने से अच्छा बताओ। जो लड़का लड़की मनमाने ढंग से शादी कर लेते हैं तो क्या समाज उनका सम्मान करता है? बोलो, करता है? नहीं। क्यों? अरे समाज कहता है इस लड़की से कि तू अपनी माँ को छोड़ के भाग आई, तूने अपने माँ के सपनों का, अपने बाप के सपनों का, तूने अपने बाप की मर्यादा का, उसके नाम इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सोच, जब तू अपने बाप की सगी नहीं हो सकी तो तू किसकी सगी होगी? ये लड़का जो अपनी माँ को छोड़ सकता है एक लड़की के लिए, ये तेरा कितने दिन सगा बन के रहेगा ये तो बता। तेरे से खूबसूरत कल दूसरी दिखेगी तुझे छोड़ के, जो अपनी माँ को, जिसके पेट से जन्म लिया, जिसके खून से ये पला बढ़ा है, जिसका दूध पिया, ये उस माँ का सगा नहीं हुआ। एक लड़की के लिए माँ के दूध को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, ये बताओ दोगला आदमी है किसका सगा होगा? हाँ या ना? इसलिए मेरे भाई, औरत ही सब चीज नहीं होती, मर्द ही सब कुछ नहीं होता। औरत मर्द रहो साथ में पति पत्नी की तरह, लेकिन मर्यादाएं जो समाज की हैं उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। क्यों जी? इसलिए राम को क्या कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने सब कुछ किया लेकिन सारे काम मर्यादा में रह करके किए, कोई भी ऐसा काम नहीं किया राम जी ने जो अमर्यादित हो। जिंदगी हम जी रहे हैं तो राम ने भी जिंदगी जी है। क्या माता सीता ने जीवन नहीं जिया? लेकिन माता सीता ने अपनी मर्यादा छोड़ी। फिर क्या राम ने अपनी मर्यादा छोड़ी? फिर आप क्यों? आप क्यों? इसलिए मर्यादा लड़कियों। और ये लड़का लड़की जो स्कूल वाला प्यार करते हैं ना, कॉलेज वाला, ये कोई प्यार नहीं है मेरी बहनों, ये केवल वासना है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, चक्कर में ना पड़ना, वो तेरे से नहीं, तेरे सुंदर शरीर से प्यार करता है। और शरीर की भूख मिटाकर, जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, तुम्हारा भी शोषण करके ये दुनिया तुम्हें थूक करके चली जाएगी। लोग तुम्हारा शोषण कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा। और ये लड़कियों को ना किसी ने आई लव यू कह दिया, उसके पीछे पड़ जाती है, अरे हमें बड़ा प्यार करता है, हमें बहुत प्यार करता है, आई लव यू टू लिख के भेज देती हैं। चक्कर में ना पड़ो मेरी बहनों, तुम्हारी जैसी कितनी बेटियां इस आई लव यू के चक्कर में टुकड़े टुकड़े हो गए उनके शरीर के। अभी कुछ दिन पहले किसी लड़के ने 35 टुकड़े कर दिए थे एक लड़की के आई लव यू के चक्कर में। बोलो हाँ। एक लड़की ने प्यार किया के लड़के से, प्यार किया और बाद में कहा कि शादी करो, और सही है कि भाई प्यार आपसे किया शादी करेंगे। उस लड़के ने इस लड़की के साथ एक साथ रहकर शोषण किया, दिन रात इसके साथ रहता, पत्नी की तरह रखता, और जब वो लड़की कहती कि तुम हमसे शादी करो, दबाव बनाया लड़की ने पति से, पुरुष से शादी करने का, तो उस लड़के ने क्या किया था? उस लड़की के मार डाला, फिर टुकड़े टुकड़े करके उसको सूटकेस में रख के कहीं इस जंगल में टांग पड़ी है, कहीं इस जंगल में सिर पड़ा है, ये दुर्गति हो गई। क्या जरूरत थी? अब वो लड़की अपने माँ बाप की लाडली रही होगी, उसने माँ बाप को धोखा तो दिया, उसने अपने को भी धोखा दे दिया। गलत आदमी से प्यार किया, परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे। तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, कौन हमारे लिए सही या गलत है।
तुम भले 25 साल की हो जाओ, तुम भले डबल पीएचडी कर लो, लेकिन जितना अनुभव तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप को जिंदगी का है, पढ़ी लिखी लड़की और पढ़े लिखे लड़कों को जिंदगी का इतना अनुभव नहीं है। तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव तो उम्र से मिलता है। जस जस भीगे कामली कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान ऐसा है कि समय के पहले नहीं मिलता। बोलो हाँ या ना। जवानी में वो ज्ञान नहीं होता जो ज्ञान बुढ़ापे में होता है। कई बार उम्र सिखाती है, कई बार वो आयु हमें सिखाती है बहुत सारी चीजें। हम पढ़कर कोई कुछ पढ़ाइयां ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाई जाती, जो आपको उम्र सिखाएगी, एज। उस एज में पहुंचेंगे तब वो ज्ञान होगा। ये बात सही है या गलत है? बोलो। 20 साल की उम्र का लड़का हो या लड़की, 20 साल का लड़का हो या लड़की, उसकी थिंकिंग अलग होगी और 30 साल के लड़का और लड़की की थिंकिंग अलग होगी और 40 साल के लड़का लड़की की थिंकिंग, स्त्री पुरुष की थिंकिंग अलग होगी। समय बीतता गया, एज होती गई, उम्र होती गई, संसार को देखते गए और जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा। आप लोग अपने लड़कपन में जो गलतियां की होंगी, आप में से कुछ स्त्री और पुरुष, तो आज आप जरूर पश्चाताप कर रहे होंगे कि हमने वो गलती क्यों की थी, क्योंकि उस गलती का एहसास तब नहीं था, लेकिन इस उम्र में आकर हुआ कि वो गलती थी। लेकिन उस उम्र के लड़का लड़कियों को अभी वो एहसास उन्हें लगेगा, हम होशियार हैं, हम सही हैं। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को तरीके से समझाओ। कुछ सिखाओ ना सिखाओ, कुछ पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पर चरित्र मजबूत कर दो अपनी बेटियों को और अपने बेटों का कि बेटा चरित्रवान बनना है। आपका कैरेक्टर आपकी संपत्ति है। चरित्र ना जाए, पैसा कमाया पर चरित्र गवा कर कमाया तो क्या कमाया? चरित्र गवा कर पैसा तो वैश्या कमाती है, और तुमने भी गवा लिया और पैसा कमाए तो तुम्हारे पैसे की क्या वैल्यू है? तुम्हारा पैसा उस वैश्या के पैसे से ज्यादा नहीं है। रखे रहो, नाचो उस पैसे को लेकर। है कोई वैल्यू उस पैसे की? इसलिए मेरी माँ मेरी बहनों, खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ बेटियों को बेटों को। आजकल बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा लिव इन में बच्चे रह रहे हैं। क्या है ये लिव इन? ये कोई रहना है? एक कमरे में लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, पढ़ने के नाम पर ये पढ़ रहे हैं। क्या ये मर्यादाएं हमारे भारतीय हैं? इतना कैसे गिर सकता है? ये रहना तो कुत्ता कुतियों वाला रहना है। हाँ या ना? ये भी रहना कोई रहना? हमारा भारत है। शादी के पहले आपके शरीर पर, स्त्री के शरीर पर केवल उसके पति का अधिकार होता है। यदि स्त्री के शरीर पर पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष ने उसे टच किया तो आप सारी जिंदगी पतिव्रता नारियों की श्रेणी में नहीं आ सकती। एक स्त्री अपने शरीर को पति के चरणों में समर्पित करती है, और जो दो चार लोगों के चरणों में समर्पित कर दे वो पतिव्रता नहीं, वो वैश्या कहलाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यही सिद्धांत पुरुषों के लिए है कि आप पर आपकी पत्नी का अधिकार है और किसी का नहीं। पराई स्त्री से बच के रहिएगा, वरना रावण जैसों का नाश हो गया पराई स्त्री के कारण। तुम किस खेत की मूली हो? इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। हमारे यहां तो चरित्र की पूजा, झांसी की रानी को तो जानते होंगे साहब, 23 साल की थी, उसके घोड़े को गोली लग गई, अंग्रेजों ने घेर लिया जंगल में, छोटा सा बेटा भी था। बेटे का इतिहास अलग अलग ढंग से लोग कहते हैं, पर झांसी की रानी एक कुटिया में जंगल में घेर लिया अंग्रेजों ने, तो एक महात्मा जी जंगल में तपस्या कर रहे थे,
महात्मा जी से कहा, आप बाहर आइए, मेरे पुत्र को आप संस्कार दीजिएगा। मैं घास अपने ऊपर डालकर कुटिया की आग लगाती है। संत बोले, अरे बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है? मरना पाप है, आत्महत्या करना पाप है। झांसी की रानी के आखिरी शब्द सुनिएगा। कहा था, महाराज कह देना दुनिया को मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ। ये आत्महत्या नहीं तो क्या है? नहीं महाराज, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़ा सलामत था, तो मैं अपने देश के लिए लड़ रही थी, देश की रक्षा कर रही थी। अब मैं मर नहीं रही, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो मेरे शरीर को नोचेंगे, और भारत की नारी मरना पसंद करेगी, उसके शरीर को कोई स्पर्श करे ये नहीं बर्दाश्त करेगी। हमारे भारत की लाखों स्त्रियां जौहर कर लिया उन्होंने, क्यों? क्या जरूरत थी? उन नारियों के कारण युद्ध होता था कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है, युद्ध करके जीत लेते थे, पर उनकी पत्नियां आग में कूद कर मर जाती थी, लेकिन अपने शरीर को किसी के हवाले नहीं करती थी। पहले की स्त्रियां ऐसी चरित्रवान हुआ करती थी, ऐसे चरित्रवान देश की आज की लड़कियां, आज के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आज ये पुरुष, कल वो पुरुष, परसों वो पुरुष, क्या ये संस्कार भारत के हैं? क्या ये भारत है? चरित्रवान बनिएगा। और आजकल बेटियों को पढ़ाना बुरा नहीं है साहब, जरा नजर बनाए रखिएगा कि बेटी पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है। आजकल तो पढ़ाई के नाम पर बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में लड़कियां शराब की दुकान में जाकर शराब खरीदती हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, और बाप ने भेजा है कि पढ़ रही है, लो भैया पढ़ रही है, वो ये पढ़ रही है, शराब पी रही है, हाँ या ना? पूरी रात डिस्को करती है, शराब पीती है राजभर और डिस्को करती है, नाचती है पराई गैर मर्दों के साथ। और ये कहाँ गई है? बाप ने क्या कहा था बेटी से? माने क्या गा? पढ़ना, ये पढ़ रही है, देख लो, कभी जाया करो तुम, देखा करो तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं। नजर जरूरी है, चाहे बेटा हो बेटी हो, दोनों पर थोड़ी सी माँ बाप की निगरानी जरूरी है। आजादी स्वतंत्रता नहीं, भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरी है कि थोड़ा सा आप दृष्टि रखें, नजर रखें, हाँ या ना? तो प्यार भगवान से कीजिए, शादी के बाद अपने पति से कीजिए, अपनी पत्नी से कीजिए, बच्चों से कीजिए, भगवान से, कोई रोकने नहीं आएगा। जो उचित है वो कीजिए, जो अनुचित है ना कीजिए।